यहाँ पे आग लगी हुई है, इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है यहाँ। सबका ध्यान इलेक्शन पे ही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं है। आसपास के लोग अस्थमेटिक पेशेंट और तरह की नई नई बीमारियों से जूझेंगे। करीब हमें शाम को 6 बजे हमें कॉल मिली है कि गाजीपुर खत्ते में आग है और जो है यहाँ पर जो है 10-12 गाड़ी लगी हुई हैं, 10 के करीब हैं, 4 गाड़ी ऊपर लगी हुई हैं और जो बड़े बड़े बाउजर हैं वे नीचे खड़े हुए हैं, वे चढ़ नहीं सकते और आग बुझा रहे हैं। लगभग दमकल की गाड़ियाँ कितनी ऊपर मौजूद है, क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद है आग बुझाने के? हाँ, यहाँ पर वाटर बाउजर हैं, टंकियाँ हैं, वाटर बाउजर तो नीचे ही खड़े हैं क्योंकि ये चढ़ने में असमर्थ हैं और जो है ऊपर जो है 4 गाड़ी लगी हुई हैं। ये जो आग लगी है, सरकार का एक जगह कहना है कि पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं और दूसरी जगह यहाँ पे आग लगी हुई है, इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है यहाँ। क्यों लगी ये आग, पहली बात तो गौर देने की बात ये है, और दूसरी बात अगर लगी तो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है? लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे और इससे इतना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, बसेस चला रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दे रही है, दूसरी जगह यहाँ आगे लग रही हैं, कंट्रोल हो रही है, सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ध्यान दे नहीं रही है सरकार कि ओवरऑल कैसे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है ताकि हम पॉल्यूशन कम कर पाएँ और वर्ल्ड में एक अच्छा एग्जांपल दे पाए कि इंडिया वर्क कर रहा है। सबका ध्यान इलेक्शन पे ही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं है, बस वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोलती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। स्वच्छता पे कोई भी ध्यान नहीं है, आप यहाँ देख ही सकते हैं कितना बुरा हाल है, यहाँ पे इतनी बदबू आती है यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी पब्लिक टॉयलेट साफ़ नहीं है, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है, एमसीडी पता नहीं क्या काम कर रही है, बहुत बुरा हाल है। बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दी जा रही है, जो भी दिखता है बस सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है कि हमने ये किया, गरीबों को खाना फ्री में खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना हम फ्री में दे रहे हैं, खाना खिला के आप मुँह बंद कर रहे हो, लोगों का मुँह बंद कर रहे हो, आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा है। और ये देश जो है डेमोक्रेसी से सीधा जा रहा है कि भाई एक ही इंसान की अब चलेगी। ग्लोबल वार्मिंग तो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, एनसीआर के अंदर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसका कारण क्या होगा? आए दिन आग लगेगी, गवर्नमेंट के यहाँ पे मैक्सिमम वर्क चलते रहते हैं तो अभी तो क्या है कि ये अनसडन कहीं भी आग लग जा रही है, इसके कारण मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई वर्कर पैर स्लिप कर गया, कोई यहाँ के वर्कर को दिक्कत हो जाएगी। और हाँ वो तो है ही, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? स्वच्छता के ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट कर तो रही है लेकिन इस चीज़ को बहुत फास्टली गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे रही है लेकिन मतलब इनका वर्क प्रोसेस बहुत स्लो है, इसके कारण क्या है कि आसपास के जितने लोग हैं, बारिश हो जाती है हमें पता है इतनी स्मेल आती है, कम से कम दो तीन दिन तक स्मेल आती है। और सबसे बड़ा दूसरा रीज़न है ये सल्टर हाउस के कारण क्या है, यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट तो करती है लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे स्वच्छता के पैरामीटर को कभी नहीं देखती है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। रोजाना देखो एक दो जानवर पड़े रहते हैं मरे हुए, जानवर फीके मतलब लेकिन सफाई कभी नहीं होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस जो गाजीपुर का पहाड़ है जो है गंदगी हो रही है, आने वाले समय में इतना होगा लोगों के लिए कि आसपास के लोग अस्थमेटिक पेशेंट और तरह की नई नई बीमारियों से जूझेंगे। Thank you.